दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना आपको कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं, तो आज की इस रिपोर्ट में आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपको कुछ ऐसी ही बात बताने के लिए। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मंदिरों के शहर के बारे में कि किस शहर को कहा जाता है मंदिरों का शहर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। तो दर्शकों, आपको सबसे पहले हम बताते हैं इस शहर के बारे में। जी हाँ, ये कौन सा शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। दरअसल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर एक भारतीय शहर है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसे आमतौर पर भारत के मंदिर का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, भुवनेश्वर का शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ईश्वर की दुनिया, और शहर में सदियों से मंदिर की वास्तुकला दिखाई भी देती है। अपने परिसर में सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की मौजूदगी के कारण यहाँ पर पर्यटन स्थल काफी फेमस माना जाता है। ये शहर भविष्य में प्रगति करते हुए अपने अतीत को संजोता हुआ दिखाई देता है। इस शहर की सांस्कृतिक परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध और अतुलनीय है, जो कि हमारे भारत देश की शोभा को बढ़ाता है। वहीं देखा जाए तो भारत में से एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी माना जाता है, जहां पर दूर दराज से लोग यहां के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि धार्मिक शहर जो 2000 साल पुराना है और इसका नाम है त्रिभुवनेश्वर। जी हाँ, इसका नाम त्रिभुवनेश्वर रखा गया है, जो कि भगवान शिव का संस्कृत नाम है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर के अधिकांश मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। जी हाँ, यहाँ पर ज्यादातर जो मंदिर है वो भगवान शिव के ही हैं। वहीं ये भी बता दें कि भुवनेश्वर भगवान शिव के सबसे अधिक प्रिय स्थानों में भी गिना जाता है। यहाँ पर अधिकांश समय बिताया भी जाता है, और यहाँ के शहर के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि भुवनेश्वर में मंदिर निर्माण की ओरिजिनल शैली तब से शुरू हुई थी जब इसका पूरा समापन 1000 सालों से अधिक समय तक नहीं हुआ था। ये शहर बौद्ध, हिंदू, जैन परंपरा का एक संगम माना जाता है। वहीं कुछ कलिंग मंदिरों को भंग भी करता है। ये शहर के मंदिर कलिंग वास्तुकला का दावा करते हैं, क्योंकि ये शहर कलिंग साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है। वहीं आपको बता दें कि इस शहर में ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जो कि काफ़ी फेमस है। जी हाँ, भुवनेश्वर में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो कि इतने फेमस हैं कि लोग दूर दराज से देखने के लिए इनको अक्सर आया करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन मंदिरों के नाम। सबसे पहले आपको बता दें कि एक मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर, इसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजधानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, योगिनी मंदिर, भृंगेश्वर शिव मंदिर, बटेश्वर मंदिर, अशन्य सेवरा मंदिर और अखड़ा चंडी मंदिर। जी हाँ, ये 10 मंदिर ऐसे हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं, और इन मंदिरों को देखने के लिए ही लोग इतनी दूर से चले आते हैं, और इन मंदिरों की शोभा इतनी अच्छी है, इतनी मनमोहक है कि लोग देख कर खिंचे ही चले जाते हैं। तो दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से प्रांशी की रिपोर्ट।